दोस्तों आपको तो पता ही है कि अगर आपके पास एक फेसबुक का पेज है जिसपे अच्छे खासे लाइक्स फॉलोवर्स हैं तो आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जो सबसे अच्छे तरीके हैं अर्निंग करने के फेसबुक पेज से वो दो हैं। सबसे पहले तो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और उनके प्रोडक्ट्स के लिंक अपने पेज पे शेयर करके उससे अर्निंग कर सकते हैं। अगर दूसरा जो तरीका है, अभी फेसबुक ने इसी साल अपना एक मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें यूट्यूब की तरह आप फेसबुक पर भी अपने वीडियोज अपलोड करके और फेसबुक के एड उसमें लगाकर आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम कोई नया फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं तो उस पर लाइक्स बढ़ाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप सिर्फ 5 मिनट में 5000 फॉलोवर्स लाइक्स वाला पेज क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस से अपडेट रह सकें। करते हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देना चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें आपके सबसे पहले देख लीजिए कि आपके पास 5000 फ्रेंड्स हैं या नहीं। अगर आपके 5000 फ्रेंड्स में कुछ कम है तो सबसे पहले आप अपने 5000 फ्रेंड्स पूरे कर लें। इसके बाद में आपका जिस नाम से आईडी है आपका पेज भी उसी नाम से क्रिएट होगा। अगर आप चाहते हैं कि पेज किसी और नाम से रहे तो आपको सबसे पहले अपनी आईडी का नेम चेंज करना पड़ेगा। तो नेम चेंज करने के लिए आपको सिंपली करना क्या, आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाता है आपके नेम के सामने। आपको यहाँ से इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप साफ साफ पढ़ सकते हैं इनका फेसबुक की तरफ से यहाँ पे क्लियर नोट लगा हुआ है कि अगर आप एक बार अपने आईडी का नाम चेंज कर सकते हैं तो अगले 60 दिन से पहले आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप सोच लीजिएगा 60 दिन के बाद आप इसका नाम चेंज कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपने एक बार पेज क्रिएट कर दिया तो पेज का नाम आप फिर कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। अब आप ये सोच लें कि आपको इसी नाम से रखना है या चेंज करना है। आईडी का नाम आपका 60 दिन के बाद चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस के बाद में क्या है, और हाँ एक बात और मैं बता दूँ कि आपको एक आईडी से सिर्फ आप लाइफ में एक बार ही पेज कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा अगर आपने कोशिश की उसी आईडी से तो आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है FB ID टू पेज कन्वर्ट। इसके बाद में यहाँ पे आपको फेसबुक का एक ऑफिशियल पेज मिलेगा फेसबुक हेल्प सेंटर के नाम से, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। आपको फेसबुक आईडी से पहले लॉगिंग हो लेना है, उसके बाद में आपको ये यहाँ पे आना है। इसके बाद में आपको ये बीच वाला ऑप्शन हाई डू आई कन्वर्ट माई प्रोफाइल टू आ फेसबुक पेज, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा क्रिएट अ फेसबुक पेज बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त शरीफ अहमद कादरी और आप देख रहे हैं रजा टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपके पास बहुत ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं फेसबुक पर और आप उन्हें एक एक करके परेशान हो गए हैं एक्सेप्ट करते करते, या फिर आपने कोई फेक अकाउंट बनाया हुआ है? अधिकतर ये प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो वही लोग फेस करते हैं जो लड़की वगैरह के नाम से कोई फेक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और उनको पर डे हज़ारों की तादाद में फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं और उन्हें वो वन बाई वन एक्सेप्ट करते करते परेशान हो जाते हैं और इससे ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से फेसबुक अकाउंट के भी ब्लॉक होने के चांसेज रहते हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आज के इस वीडियो में आपको एक इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ जिससे आप वन क्लिक में 30 फ्रेंड रिक्वेस्ट एक बार में आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस प्रोसेस को 10 बार यूज करते हैं तो 10 क्लिक में आप 300 फ्रेंड रिक्वेस्ट आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं और इससे आपके फेसबुक अकाउंट के ब्लॉक होने का चांस भी नहीं रहता है, क्योंकि ये एक स्क्रिप्ट है, एक कोड है जिसकी वजह से आप इसको मैनुअली नहीं करते हैं, वो कोड आपको ये काम करके देता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये तरीका तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं हमारे एक अकाउंट पर। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब इनको एक वन क्लिक में हमें किस तरह से 30 फ्रेंड रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप यहाँ पे फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कीजिए अपने उसी फेसबुक अकाउंट से, इस पर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद आप न्यू विंडो कीजिए और उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है fb.com/req.php और इसके बाद आप इसको एंटर करें।
जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपकी पूरी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको शो होंगी, जो भी आपकी पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पे पड़ी हुई होंगी। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है। अब मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। अब आप जो भी ब्राउज़र यूज करते हैं, चाहे आप क्रोम करते हो, सफारी करते हो, मोज़िला फायरफॉक्स करते हो, या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर करते हो, वो आप जो भी ब्राउज़र यूज कर सकते हैं उसमें यह किसी भी ब्राउज़र में ये ट्रिक काम कर जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्पेक्ट लिखा हुआ है, इसको आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई से भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक HTML की कोडिंग आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस तरह कोडिंग आपके पास जब ओपन हो जाए, इसके बाद आपको सिंपली कंसोल यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस कंसोल पे आपको क्लिक करना है और कंसोल पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक कोड पेस्ट करना है, जो कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको पूरे को यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पे आपको कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है, और एंटर करते ही आपको फ़ौरन इसको बंद कर देना है। और ये देखिए आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पे एक्सेप्ट होना शुरू हो गई। वन क्लिक में 30 फ्रेंड रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे ही आप करें उसके बाद आप फ़ौरन इसको बंद कर दें। इसका कारण ये है कि अगर आप उसको खुला रखेंगे तो एक एरर्स टाइप का शो हो जाएगा और उससे हो सकता है कि आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट ही ब्लॉक हो जाए, इसलिए आपको इसको ख्याल रखना है। इसके बाद में आपकी जब ये 30 फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए, इसके बाद आपको इस पेज को फिर से रिफ्रेश करना है। यहाँ देखिए 4000 फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई है। इसके बाद में रिफ्रेश होने के बाद आपको फिर से राइट क्लिक करना है, फिर से इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है, फिर से आपको कंसोल पर जाना है और यहाँ पे फिर से आपको पेस्ट करना है, एंटर मारना है और इसको बंद कर देना है। ये देखिए फिर से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होना शुरू हो चुकी है फ्रेंड्स, और ये 30 रिक्वेस्ट फिर से एक्सेप्ट हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप 10 बार भी इस प्रोसेस को करते हैं तो आपकी 300 फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती हैं, और इसकी वजह से आपकी क्लिक्स भी ज़्यादा नहीं गिनी जाएंगी, इसकी वजह से फेसबुक आपको ब्लॉक नहीं करेगा। तो ये एक सिंपल सा मेथड था जो मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया है, और इसको मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ, आप भी यूज कीजिए। इससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। आप वन क्लिक में 30 फ्रेंड रिक्वेस्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आपने 10 बार भी क्लिक कर दिया तो आप 300, और अगर 20 बार आपने इस प्रोसेस को कर लिया तो आप 600 फ्रेंड रिक्वेस्ट एक बार में आप 20 क्लिक में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेथड पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेथड पसंद आया और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और लोगों के भी ये काम आ सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतने, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए।